आज बबलू सिंह गोल्डी को रसूलपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज बबलू सिंह गोल्डी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण था जो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कारण था जो पुलिस ने। जैसे ही मैं थाना रसूलपुर के समीप पहुंचा तो वहां चेकिंग हो रही थी, तो हाथ देने पर मैंने अपनी गाड़ी को रोका। रोकने के बाद में मैंने अपने समर्थक से कहा कि भाई चेकिंग करा दीजिए, तो उन्होंने पीछे की डिक्की खोली, तो निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार मेरे हैंडविल रखे थे जिसका मैंने बिल भी है मेरे पास, तो उन्होंने उसमें से मेरी सामग्री को निकाल कर नीचे जमीन पर पटक दिया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी आपका फोटो भी था। तो मैंने कहा इस तरीके की अभद्र प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें गाली गलौज देते हुए और कहा हमसे कि बहुत बड़े नेता बन रहे हो, तो हमने इससे पहले कहा कि मैं नेता नहीं बनने, मेरा नाम बबलू सिंह गोल्डी एडवोकेट है, आप मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। इतने में ही मेरे जो साथ समर्थक था उसके साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और गाली देना शुरू कर दिया, और मुझसे कहा कि इसको भी, मुझे भी गाली देते हुए कहा कि इसको बंद कर दो। तो इतने में ही वहाँ देवेंद्र जो कॉन्स्टेबल था वो आया, और आने के बाद में उन्होंने मुझको वहाँ पकड़ के अंदर ले जाने लगे, उन्होंने भी मेरे साथ गाली गलौज की और मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया, मुझे, मेरे ड्राइवर को और मेरे समर्थक को। उसके बाद में काफ़ी मैं 15 या 20 मिनट तक बंद रहा। बंद रहने के बाद में जबकि वो SI साहब मुझे जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ जनपद न्यायालय में वकालत करता हूँ, तो मुझे बखूबी जानते, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायक सदर विधायक मनीष ससीजा के इशारे पर मुझे साथ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग और अभद्र प्रक्रिया अपनाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने उन्होंने ये भी कहा, मैंने ये मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते, आप मुझे कोई मामला है तो बताइए या फिर मामले के अकॉर्डिंग आप मुकदमा लीजिए, तो उसकी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाली गलौज दी, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे समर्थक के बात बदतमीजी की, मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट की, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मेरी बात को नहीं सुना। करीब 15 से 20 मिनट हवालात में बंद रहने के बाद में थाना उत्तर इंचार्ज दुबे जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनके आहान पर, उनके कहने पर मैं बाहर निकल के आया, तब तक शिव साहब आ गए, उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया आप हमें लिख के दिए, तो मैंने तहरीर के रूप में उनको एक प्रार्थना पत्र लिख के दिया। क्या मानते हैं इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है? साजिश नहीं, खबर को भी साजिश दिख रही है। जो नगर विधायक है, जो राठौर समाज का बहुत अत्यधिक वोट लेकर 4 बार से प्रतिनिधि बनते चले आ रहे हैं, अब उनको मेरे जरिए, क्योंकि मैं भी राठौर समाज का बच्चा हूं और राठौर समाज की भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी मेरी टिकट बहुजन समाज पार्टी से हुई थी, उसको साजिश से कटवाने का काम किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में मेरे साथ आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च। सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।